नमस्ते, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज रामनवमी है तो आपको पता ही है कि आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, आज के दिन ही वो बताए पैदा हुए थे। हाँ, आज बताए लोग हवन अपने घर में करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और अच्छी चीज़ें बनाते हैं, घर को सजाते हैं। और बताए बहुत ही खास दिन है आज, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ हाँ कि आज बताए वो दिन आया, क्योंकि मेरे और आप सभी के प्रिय श्री राम जी का आज जन्मदिन है। बहुत प्रसन्नता और उत्सव का दिन है, तो मैं इस पावन अवसर पर एक गीत गाना चाहूँगी, हाँ डेडिकेट करना चाहूँगी रामनवमी पर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करो अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुभाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चा न खोटे चोर न लूटे, खर्चा न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बचत सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवतिया सतगुरु, सत की नाव खेवतिया सतगुरु, सब सागर तरवायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर्ष हर्ष जग गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आई होप कि पता ये जो गीत है हाँ वो आपको अच्छा लगा हो, हम कोशिश किए हैं। हाँ वैसे हम अच्छा गा लेते हैं, ऐसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं। हाँ आपको पता है थोड़ा सा सामने से कि गाने में हमको थोड़ा सा पता है नर्वसनेस जो आप लोग को देखी, मैं थोड़ा नर्वस वो पता है। होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो ये, तो चलते हैं आगे। मैं और आप तो जानते ही हैं राम जी के जन्म की कथा, तब भी एक बार बताती हूँ मैं फिर से। कई साल पहले रहते थे दशरथ, यज्ञ करवाते समय एक दिव्य व्यक्ति आग से निकलकर उसके पास हाथ में मिठाई की थाल लिए हुए, उसने इस मिठाई को अपनी तीन पत्नियों के बीच बांटने के लिए बोला। इसके बाद कौशल्या माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। आप बता सकते हैं कि वो कौन थे? मैं बता सकती हूँ, वो कोई नहीं, श्री राम जी थे। अयोध्या में बहुत धूमधाम से श्री राम जी का जन्मदिन मनाया गया। खुशी के आंसू और मुख पर फूलों के जैसी रौनक थी उन लोगों में, मानो कि बहुत सालों तक उनसे उनकी खुशी छीन ली गई है और सालों के बाद उनकी खुशी वापस आ गई है। राम जी के साथ उनके तीन भाई हुए, जिनमें जिनसे वह बहुत प्रेम करते थे और उनके बिना एक भी दिन रहना मुश्किल था। भगवान करे सबके घर में श्री राम की जैसे उनके भाई का प्रेम और सफ़र में एक साथ 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 कदम मिला के राम जी और उनके भाई बड़े हुए। राम जी का जन्मदिन रामनवमी के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। आज के दिन लोग व्रत रखते हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुरुधाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुरुधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और इसके अलावा आज
केवल राम जी का जन्मदिन ही नहीं बल्कि राम जी सीता जी का विवाह भी हुआ था। आज के दिन सीता राम कल्याण उत्सव भी मनाया जाता है। मुझे पता है कि आप सबको पता है राम जी की सीता जी की कहानी और उनके विवाह की भी, पर आप सभी को ये कहानी एक छोटे से रूप में सुनाते हैं। तो चलिए, बार एक राजा थे जिनका नाम जनक था, जो सीता जी के पिता थे। सीता जी की तीन बहनें थी, जिस जैसे राम जी के तीन भाई। जब सीता जी विवाह लायक हुई तब उनके पिताश्री ने उनके लिए एक स्वयंवर का प्रबंध किया। स्वयंवर में बहुत दूर दूर से राजा आए सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए। इस स्वयंवर में जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रशंसा चढ़ाएगा वही सीता जी के लिए योग्य होगा। बहुत सारे राजाओं ने सीता के लिए अपनी बल दिखाए परंतु वे सभी असफल हो गए। उस दिव्य धनुष को उठाने में उनमें से बहुत से लोग थे जो बलवान थे, तब भी उस सभी बलवान राजा भी उसे उठा नहीं सके। बहुत समय बाद राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु वशिष्ठ के साथ शिव धनुष को देखने के लिए आए। वशिष्ठ ने राम जी और लक्ष्मण जी को जनक से मिलवाया और शिव धनुष को देखने की अनुमति मांगी। जनक जी ने कहा कि आज सीता जी का स्वयंवर है और जो भी शिव धनुष को उठाकर उसे प्रशंसा चढ़ाएगा वही सीता का पति बनने के लायक होगा। महाराज ने उनको शिव धनुष देखने की अनुमति दे दी। राम जी ने धनुष को देखा और उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। बस अब वह पल आया जिसको देखने के लिए सब व्याकुल थे। राम जी ने झुके और धनुष को उठाया और सब देखते ही रह गए। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ, ये आश्चर्यचकित हो गए सब के सब। हाँ, आराम से धनुष को तोड़ भी दिया राम जी ने और इसके बाद सब जय जयकार करने लगे। इसके बाद राम जी का विवाह सीता जी के साथ हो गया और राम जी के जन्म वाले दिन ही सीता जी का विवाह हुआ। तो आपको ये जो पता है रामायण जो हम शॉर्ट में होता है सुनाए हैं। हाँ, आप थोड़ा सा नर्वस हैं। हाँ, पहली बार होता है कथा जो है, पता नहीं जैसे कि हम देखते तो आ रहे हैं, हम पता सुना पहली बार रहे हैं आप लोग को। हाँ, उनकी लाइफ का फर्स्ट जो स्टोरी है, हाँ, जो हम जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, ये मेरे बहुत ज़्यादा ही दिल के करीब है ये स्टोरी। हाँ, ये राम जी सीता जी के प्यार की कहानी है, बहुत ही प्यारी है। हाँ, आप लोग स्टार्टिंग से ही छोटे होंगे या अभी लॉकडाउन हुआ था उसमें भी बताया रामायण दिखाया जा रहा टीवी पे, तो हम लोग तो बैठ के देखते थे। आप बताइएगा कि आप लोग देखते थे कि नहीं, और आपको कितना अच्छा लगता है बताया रामायण सुनना, कहानी राम जी सीता जी की और उनके भाइयों की, और जैसे बताया ये सब लोग मिलजुल के रहते हैं। आप लोग चीज़ें देख के बताया उस चीज़ को अपनाइए। रामायण जैसे राम जी अपने भाइयों के साथ इतने मिलजुल के रहते हैं, वैसे आप भी अपने भाई, हाँ, जैसे सीता जी बताया अपनी बहनों के साथ मिलजुल के रहती हैं, वैसे आप भी बताया अपने भाई और बहनों के साथ मिलजुल के रहिए। थोड़ा से शरारती तो होते हैं और जो छोटे होते हैं वो बताया बड़ों को तंग तो करते ही, जैसे छोटे भाई बहन, मेरे भाई बहन भी हैं, हमें तंग करते हैं, वह बताया उन लोगों को सही राह पे और सही शिक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप बड़े हैं। तो हम भी इस जो ये महाकथा है राम जी की सीता जी की, उसी से बताएं इंस्पायर होकर अपने परिवार को और अपने भाई बहनों को बताएं संभालते हैं। आप भी ऐसे संभालिए और आप सभी को फिर से बताएं रामनवमी की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हाँ, मेरी तरफ से और बताएं मेरे परिवार की तरफ से। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको, आपके साथ बताएं ये चीज़ शेयर करके। तो छोटी सी ही बताएं कथा है, हाँ, तो वही बताएं करके बहुत अच्छा लगा। तो आपके सामने एक और गीत प्रस्तुत है मेरी तरफ से, रघुपति राघव राजा राम, पति ते पावन सीता राम, सीता राम सीता राम। भज प्यार, एक गाना मेरी तरफ से प्रस्तुत है,
राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। आई होप कि बताए आपको ये बताए वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा बताया जो गीत है और जो हम जो कथा सुनाए हैं वो आपको अच्छी लगी हो। हाँ तो बताए अच्छा लगा हो तो बताए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये सॉन्ग बहुत कैसा लगा, यह कथा बहुत कैसी लगी। तो प्लीज़ बताए हमको, ये बताइएगा कमेंट्स करके। और बताए तो हम बताया आप लोग के लिए और वीडियोस बनाएंगे और इंटरेस्टिंग मिलेगा। थोड़ा सा नर्वस हुए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। हाँ इसलिए कि मेरा भी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो नर्वसनेस होती है, आपको भी होती ही होगी, तो आप ये भी बता सकते हैं हमको। और बताया आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आई होप आप भी बहुत खुश होंगे और इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएंगे। अभी तो कोविड का टाइम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं जा नहीं सकते हैं, घर में ये जो कर सकते हैं वो बताए करिए आप लोग, खुशियाँ बांटिए। हाँ और बहुत सारा प्यार बताए मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को। हाँ तो आपको ये वीडियो बताए अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। तो धन्यवाद और फिर से बताए रामनवमी की आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से।